क्रिकेट की दुनिया में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस खेल का सम्मान बढ़ाया है और कई ऐसे भी हैं जिन्होंने इस खेल पर बदनुमा दाग लगाया है। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे ही ईमानदार खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो अंपायर के फैसले का इंतजार कभी नहीं करते थे, यानी अगर उन्हें लगा कि आउट है तो बिना अंपायर का इंतजार करे वापस पवेलियन लौट जाते थे। भारत की तरफ से सचिन तेंदुलकर ने हमेशा अपनी ईमानदारी दिखाई, तो वहीं धोनी भी दुनिया भर के कई खिलाड़ियों में शुमार हो गए जिन्होंने अपनी ईमानदारी से सबका दिल जीत लिया। लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा भी है जिसने कारनामा एक दो बार नहीं बल्कि पूरे 10-12 बार किया है। आप सोच रहे होंगे आखिर ऐसा खिलाड़ी कौन है वो खिलाड़ी जिसने ऐसा कर दिया। दरअसल वो खिलाड़ी है ऑस्ट्रेलिया का पूर्व दिग्गज खिलाड़ी और विकेट कीपर एडम गिलक्रिस्ट। वैसे तो कंगारू क्रिकेट हमेशा से अपनी बेईमानी के लिए जाना जाता है, लेकिन इसी देश से एडम गिलक्रिस्ट ने हमेशा अपनी ईमानदारी से सबका दिल जीता है। दरअसल खेल के दौरान ऑस्ट्रेलिया के कई खिलाड़ी बेईमानी करते देखे गए, लेकिन इन सबके बीच ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक ओपनर और दुनिया के सबसे सफल विकेट कीपर एडम गिलक्रिस्ट एक ऐसे बल्लेबाज थे जो आउट होने पर अपने आप पवेलियन लौट जाया करते थे। उनके करियर के दौरान कई बार ऐसा हुआ जब अंपायर को पता ही नहीं लग पाया कि उनके बैट से एच निकला था या नहीं, और कई बार ऐसा भी हुआ जब अंपायर उन्हें नॉट आउट करार दिया लेकिन एडम गिलक्रिस्ट अपने आप ही पवेलियन की तरफ चले जाया करते थे क्योंकि उन्हें पता होता था कि वो आउट हो चुके हैं। बाद में जब रिप्ले दिखा जाता था तो सबको पता चल जाता था कि अंपायर ने गलत निर्णय लिया था और गिलक्रिस्ट आउट हो चुके थे। ऑस्ट्रेलिया के इस खतरनाक बल्लेबाज के करियर में ऐसी घटना कुल 12 बार हुई थी, मतलब अपने करियर में 12 बार वो खुद आउट होकर पवेलियन लौट गए हैं, और ये वाकई आसान नहीं है। कोई भी खिलाड़ी आउट भी हो जाता है तो अब रिव्यू का सहारा लेता है, लेकिन एडम गिलक्रिस्ट तो अंपायर की ना सुनने के पहले ही पवेलियन लौट जाया करते थे और आउट होने के बाद सबसे ज्यादा ईमानदारी दिखाते थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप भी अगर क्रिकेट के शौकीन हैं तो हेडलाइंस स्पोर्ट्स को बिल्कुल फ्री में अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्रिकेट की सबसे तेज खबरें यही मिलेंगी।